हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम क्लास टेंथ मैथ के चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8.4 मतलब 8.4 का पाँचवें क्वेश्चन का छठवां क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे कि आपको समझ में आए और बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इससे हमारी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू अभी बोल दे रहे हैं ताकि हो सकता है लास्ट में ना बोले सोच लिए। चलिए, इसको कैसे लगाएंगे आप सोचो जरा। अंडर रूट में 1 + sin a / 1 - sin a है और लाना ये है। तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे करना ये है कुछ ऐसा कि अंडर रूट हट जाए। क्या हो? अंडर रूट हट जाए। उसके लिए क्या करेंगे? अंडर रूट हटाने के लिए हम करेंगे इसका परिमेयीकरण करेंगे नीचे का। परिमेयीकरण करना आपको आता होगा, नहीं आता तो अभी सीख लो, तुरंत ही सीख लो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी सीखने में। 1 + sin a है यहाँ पे और नीचे बटे में 1 - sin a है। सुनिए, आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, a² - b² = a + b (a - b) ये पता होगा। इसी की हेल्प से हम हर को क्या करेंगे, स्क्वायर में चेंज करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से देखिए, एक ब्रेकेट में अगर मैं इसको ब्रेकेट मान लूँ जरा देर के लिए, अगर मैं इसको ब्रेकेट मान लूँ तो ये 1 - 1 - sin a है। अगर मुझे किसी तरीके से 1 + sin a और मिल जाए, माइनस में है 1 - sin a मतलब यहाँ इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, तो a - b है। अगर मुझे a + b और मिल जाए, खाली a - b है, सिर्फ a + b और मिल जाए, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँ। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे उसको समझा रहा था, अब इसको देखिए कैसे समझा करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड लो भैया, लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही ईजी एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड पे इतना आना चाहिए, तो वही हो जाएगा प्रूफ। इसी को बोलते हैं सिद्ध करना। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि प्रूफ करना सिद्ध करना क्या होता है, तो आप लोग जानते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से करेंगे, अंडर रूट लगाओ, बनाना आना चाहिए अंडर रूट, 1 + sin a, क्वेश्चन उतार लो ऐसे, 1 - sin a, यही है, इसको ब्रेकेट में कर लो ताकि दिखे अपना अलग अलग, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, ऐसा कुछ। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट को बड़ा कर लो क्योंकि अंडर रूट के अंदर ही गुणा करना है। हमने बताया था अभी इसके पहले की वीडियो में, मतलब इसके पहले वीडियो में, ठीक है, बताया था कि अगर अंश में कुछ गुणा करते हैं, मतलब ऊपर कुछ गुणा करते हैं, तो हर यानी कि नीचे में भी वही उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे इसको क्या करना है, इसको a - b है, a + b और आ जाए तो a² - b² वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं इसको एक के ऊपर कुछ नहीं है, तो एक के ऊपर स्क्वायर अपने आप मान लिया जाता है। तो a - b है, a + a + b से यानी कि 1 + sin a से गुणा कर दूंगा, इसी के उल्टे चिन्ह से। एक ये प्लस में है, माइनस चिन्ह से गुणा कर, माइनस में है तो प्लस चिन्ह से गुणा करेंगे, तो +sin a गुणा कर दिया इसमें इससे। लेकिन जरा सा ध्यान से सुनो, नीचे गुणा किया हर में, ऊपर में भी हमारी मजबूरी है कि करना पड़ेगा गुणा, तो इसी से ऊपर भी गुणा कर दो, 1 + sin a कर दिया गुणा, इसको बटा लगा लो, ठीक है, बटा लगा लो। अब तो एकदम इजी हो गया क्वेश्चन। देखिए कैसे, अंडर रूट लगाओ, एकदम आसान क्वेश्चन है, अंडर रूट से घबराना नहीं, अभी वो अपने आप छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चलिए, 1 + sin a 1 + sin a, तो सोचो 1 + sin a का 1 + sin a में गुणा करना है, मतलब अगर मान लो मैं इसको x, तो x का गुणा x में, x का गुणा x में, लेकिन इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिला के 2, 1 + 1 = 2 पावर। तो इसी तरीके से इसको x माना, इसको x माना, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 मिला के 2 पावर, मतलब 1 + sin x का 2 पावर स्क्वायर, 1 + sin a इसका होल स्क्वायर। ये ऐसा मैं एग्जांपल देते चलता हूँ ताकि आप इससे रिलेट करके समझ पाए चीज़ों को कि कैसे हो रहा है सब कुछ। 1 + sin a का होल स्क्वायर बन गया, जैसे ये 1 + sin a 1 + sin a में गुणा किया तो स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 बार है साइन स्क्वायर, 1 + sin a 2 बार है, तो मैं इसको 1 + sin a को 2 बार लिख दिया, यही कहने का मतलब इसका। बटे इधर देखो, अब आप सोचोगे कि इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास सेम प्लस था, सेम चिन्ह था, इसलिए स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होता तो यहाँ भी ऐसा स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो आपको इस ध्यान रखना है कि एक जगह माइनस एक जगह प्लस अलग अलग चिन्ह है, तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे किसका,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए यही तो है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ए बी, इसको अगर माने तो ऐसा ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब एक ये ए है ये बी है, तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक यानी कि एक का स्क्वायर, बी यानी कि साइन साइन का स्क्वायर। मुझे लगता है इतना क्लियर हो रहा होगा, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत क्लियरली समझाया, अगर नहीं समझ में अभी भी तो जरा सा पीछे करो, तुरंत देखो फिर से दोबारा समझ में आ जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बस हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा बचा एकदम। ए स्क्वायर माइनस मतलब एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, एक को एक का कितना भी स्क्वायर लगाने एक ही होगा, तो मैं इसको इस एक को यही स्क्वायर हटा देता हूँ, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा, अगले स्टेप में वही चीज लिखने वाला हूँ, तो इससे अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, आप समझ जाइए कि एक का स्क्वायर एक कर दिया हमने, ठीक। अब यहाँ पे अगले स्टेप में यहां से करते हैं, जगह थोड़ी सी कम है, इधर करो, अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लग गया, वन माइनस साइन होल स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने दो, कुछ हो नहीं इसको, वन माइनस साइन है, इसका होल स्क्वायर है, बटे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है, ये बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन वन माइनस साइन स्क्वायर है, साइन मैं एक को इधर मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर ए को उधर भेजता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यही बना ना, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखो वन माइनस साइन स्क्वायर है ना, और यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है, याद कर लो, अगर वीडियो देखते आ रहे हो मेरी पहले से तो मुझे उम्मीद है आपको ये याद होगा, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर करवाया है, तो मतलब इसके जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, इजाजत है मतलब लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, हो गया, इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला ही है, नोट कर ले चाहे कर लेना। अब जरा सा ध्यान से देखो यहां पर, इसके ऊपर कॉस स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इस सारे स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। मुझे पता है हमारे प्यारे बच्चों को ये बात हजम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अब अगर आपने पढ़ाई नहीं की पिछले समय में, मतलब नाइन्थ में, एट्थ में, सेवेंथ में, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे आप ये जो कट रहा है अंडर रूट ऐसे, इससे और इससे, इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट जो कट रहा है, ये समझने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं अभी दो मिनट में इसको आपको बता देता हूँ और समझ जाओगे आप तुरंत इसको। जैसे मान ली मैंने अंडर रूट लिखा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा होगा 25 लिखा होगा, इसको अंडर रूट में करो, 25 लिखा होगा अंडर रूट में करो, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर में 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5 50 25 ही होता है 5 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को काट के अंदर 5 आ सकता है, 5 आएगा ना आंसर। आप कहोगे ये कैसे अंडर रूट कट गया, ये 2 से ये अंडर रूट कैसे कटा, देखिए कैसे कटा होगा, 5 को मैंने लिखा होगा, इस 25 को लिखा होगा 5 गुणे 5, इन जोड़े में से निकाल लिया होगा तो आंसर आ गया होगा 5, तो वही तो मैंने यहाँ भी किया है, 5 के स्क्वायर लिख के 2 से 2 काट के 5 लाया है, यही तो है। चलिए यहाँ पे वही सेम कंडीशन, 5 का स्क्वायर और अंडर रूट, मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, मतलब मैं पूरे का स्क्वायर है, देखिए ना, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, इसका मतलब ये पूरा स्क्वायर है। आपके लिए मैं एक स्टेप ज़्यादा करके अच्छे से समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, क्या बढ़ा देता हूँ कि ये पूरे का स्क्वायर है, तो एक बार में मैं पूरे का स्क्वायर लगा के आपको दिखा ही देता हूँ, समाज इजाज़त देता है मुझे इस बात की कि मैं पूरे का स्क्वायर लगाऊँ, आप लोग इससे सहमत हैं होंगे मेरे ख्याल से। देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर था, 1 प्लस साइन ए का मतलब ये ब्रेकर लगाने का मतलब नीचे वाले और ऊपर वाले का सबका स्क्वायर एक ही में आ गया है, मतलब ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने इस स्क्वायर को तो ऊपर भेजा है, पूरे का स्क्वायर 2 लगा दिया है, लो बड़ा सा थोड़ा लिख देते हैं। अब तो आप काट ही सकते हो ऐसे जैसे मैंने काटा था, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 1 प्लस साइन ए, देखिए अंडर रूट हट गया ना, यही तो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको, कॉस से ए को ठीक से बना देते हैं। मुझे लगता है ये आपको देखा देखा लग रहा होगा,
नहीं देखा लग रहा, अभी देखते हैं थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आपको लगेगा तुरंत। मैं इस कॉस ए को एक बार एक के साथ एक बार साइन के साथ लिख देता हूं, ऐसा कर सकता हूं। अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने जब इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाया था तो उसमें भी ऐसा ही किया था, और इस बार भी ऐसा कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। वन बटे कॉस ए, वन बटे कॉस ए, यही बनेगा वन बटे कॉस ए, और प्लस साइन ए बटे कॉस ए। एक बार जरा फिर से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं किया हमने, हमने कॉस ए को एक के साथ एक बटे कॉस ए और साइन के साथ भी अलग अलग बांट दिया, ऐसा कह सकते हो आप, अलग अलग बांट दिया। तो जरा सोचो कॉस ए, एक बटे कॉस ए क्या है, सेक ए है, क्योंकि सेक कॉस किसका उल्टा है, सेक का। जब कॉस को सीधा करेंगे तो सेक बनेगा ना भैया। इतने क्वेश्चन लगवाए हैं इस पर आप, हमें लग, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भी आपको ऐसा लग रहा है, हमारे वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपको ये समझ में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पूरी त्रिकोणमिति की वीडियोस जाके देखिए प्लेलिस्ट में। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो आप सारी वीडियोज़ लगातार फिर से देख डालिए हमारी प्ले लिस्ट में जाकर त्रिकोणमिति की। साइन बटे कॉस सबको पता है, मैंने इसको कितनी बार बताया होगा कि साइन और बटे में कॉस हो तो दोनों को मिला के टैन बन जाता है, ये टैन ए का फॉर्मूला है। अब मिलाओ इसको और इसको मिलाओ, यही तो लाना था। जरा देखो इसका मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम कह सकते हैं आप। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, अभी तक मैंने किसी पर स्टार नहीं लगाया, लेकिन इस पर मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जिसमें हम इसके आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके लिए सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे लगातार। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।